मैं डॉक्टर हिमानी भाटिया। आज मैं आपको बीए तृतीय वर्ष में द्वितीय प्रश्न पत्र की कुछ व्याख्याओं के बारे में बताने जा रही हूँ। ये व्याख्या हमारे भारत दूरदर्शन नाटक में भारतेंदु हरिश्चंद्र से संबंधित है। महत्वपूर्ण व्याख्याएं: फूट, डाह, लोभ, उपेक्षा, भय, स्वार्थपरता, पक्षपात, हठ, शोक, अश्रुमार्जन और निर्बलता। इन एक दर्जन दूती और दूतों को शत्रुओं की फौज में हिला मिलाकर ऐसा पंचामृत बनाया कि सारे शत्रु बिना मारे घंटा के गरुड़ हो गए। फिर अंत में भिन्नता आई, इसने ऐसा सबको काई की तरह भाड़ा कि भाषा, धर्म, चाल, व्यवहार, खाना पीना सब एक एक योजना पर अलग अलग कर दिया। अब आवे बचा एक के, देखे आही के क्या करते हैं। प्रस्तुत नाट्यांश हिंदी की पाठ्य पुस्तक भारत दुर्दशा नामक नाटक से अवतरित है। ये नाट्यांश भारत दुर्दशा नाटक के तृतीय अंक से लिया गया है। भारत दुर्दशा नामक नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित है। भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी का प्रथम नाटककार कहा जाता है। इन्हें हिंदी साहित्य के प्रणेता एवं नवोन्मेष का प्रतीक कहा जाता है। इन्होंने अनेक विधाओं में अपनी लेखनी को चलाया है। ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। भारत दुर्दशा के अलावा अंधेर नगरी भी इनका प्रसिद्ध नाटक है। भारत दुर्दशा नाटक को इन्होंने नाटक रास या लास्य रूपक भी कहा है। भारत दुर्दशा हमारा एक दुखान नाटक है। सत्यनाश फौजदार भारत दुर्देव के पास आकर भारत दुर्दशा का मजाक बनाता है। वह भारत दुर्देव से कहता है कि मैंने भारत की सेना में दर्जनों अवगुणों को ढाल दिया है, भारत की सेना के संगठन को समाप्त कर दिया है, भारत के लोगों को मैंने अब अलग अलग कर दिया है, उन्हें अब कायर एवं डरपोक बना दिया है। अगर अब हम इसकी व्याख्या करेंगे तो वो इस प्रकार है कि सत्यानाश फौजदार भारत दुर्दशा की महत्वपूर्ण कहानी सुनाते हुए भारत दुर्दशा से कहता है कि मैंने भारत के लोगों में ऐसे अवगुणों को डाल दिया है जिससे भारत के लोग अशक्त हो गए हैं, फूट डालकर लोगों को एक दूसरे से अलग कर दिया है। फूट, डाह, लोभ, भय, उपेक्षा, स्वार्थपरता, पक्षपात, हठ, शोक, अश्रुमार्जन और निर्बलता, इन 12 अवगुणों को भारत की सेना में मिला दिया है। जिस प्रकार दूध, दही तथा शक्कर आदि से जो पवित्र जल अमृत के समान बनाया जाता है, उसी प्रकार मैंने इन 12 अवगुणों को छल, छद्मों और प्रपंचों के संयोग से भारतीयों को ठगने के लिए पंचामृत बनाया है। भारत के लोगों में मैंने ईर्ष्या, देश जैसी भावनाओं को जन्म दिया है, लोगों को लोभी प्रवृत्ति का बना दिया है। भारत के लोग निरंतर स्वार्थ सिद्ध करने में लगे रहते हैं। भारत के लोग एक दूसरे से पक्षपात करते हैं। भारतीय सेना में जीत की भावना जागृत हो चुकी है। शोक में निरंतर ग्रस्त रहना और उनके जीवन का अंग बन चुका है। भारतीय सेना में अब केवल आंसू पोंछने का काम बाकी रह गया है। भारत के लोग अब निर्बल हो गए हैं। इन सब अवगुणों के कारण भारत के लोग बिना मारे ही घंटा पर के गरुड़ हो गए हैं। जिस प्रकार भगवान विष्णु के मंदिर के घंटे पर गरुड़ का चित्र अंकित है जो कि उड़ नहीं सकता, वह केवल दर्शनीय है, उसी प्रकार भारत के लोग भी उस गरुड़ की भांति हो गए हैं जो केवल दिखाई देते हैं। भारत के लोग अब अशक्त एवं पंगु हो गए हैं। उनके अंदर साहस और शौर्य अब खत्म हो चुका है। इन सभी अवगुणों के जन्म लेने के बाद भिन्नता गई। इस भिन्नता ने भारत के लोगों को ऐसी काई की तरह झाड़ा कि भाषा, धर्म, चाल, व्यवहार, खाना पीना सभी एक एक योजना पर अलग अलग कर दिया। भारत में आकर इस व्यवस्था को अपनाया कि भारत के लोगों में फूट डाल दो और अपनी शासन व्यवस्था को व्यवस्थित कर दो। अंग्रेजों ने भारत की संगठित जनता में फूट डाल दी। भारत के लोगों को उन्होंने एक दूसरे से भिन्न कर दिया।
अंग्रेजों ने भी भारत में जातिगत भेदभाव को पनपा दिया, यहाँ तक कि अंग्रेजों की इस भिन्नता ने भारत के लोगों को काई की तरह झाड़ दिया, एक तरफ फेंक दिया। जिस प्रकार काई हाथ लगाते ही सरलता पूर्वक अपने आप फट जाती है, उसी प्रकार अंग्रेजों ने भारत के लोगों की धार्मिक एवं सामाजिक एकता को छिन्न भिन्न कर दिया। भाषा, जाति एवं धर्म का भेदभाव खड़ा करके अंग्रेजों ने भारत पर निर्विघ्न शासन किया तथा भारतवासी अशक्त एवं असंगठित होकर रह गए। अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति ने भारत के संगठन को तोड़ दिया। भारत के लोगों में भाषा की भिन्नता आ गई, लोग अलग अलग भाषाओं का प्रयोग करने लगे। भारतीयों में धर्म का भेदभाव उत्पन्न हो गया, लोगों ने अलग अलग धर्मों को अपनाना शुरू कर दिया। अंग्रेजों ने अपने धर्म का प्रचार प्रसार शुरू कर दिया, लोगों का व्यवहार एक दूसरे के प्रति अलग अलग सा हो गया। सभी लोगों का रहन सहन, खाना पीना सब कुछ अलग अलग। भारत के लोगों में वसुधैव कुटुंबकम की भावना गायब हो गई। भारत के लोग ही अब एक दूसरे के शत्रु बन गए थे। भारत के लोगों में केवल एकता ही तो थी जो मजबूत थी, एक संगठन ही सर्वाधिक प्रबल था, लेकिन अंग्रेजों ने उसे भी तोड़ दिया। अब यहाँ देखते हैं कि इनका जो ये संगठन है ये क्या करता है। अब तो हम आ गए हैं, अब तो भारत के लोगों में संगठन का नामो निशान भी नहीं बचा। अब देखो कि हम लोग आकर अभी और क्या करते हैं। भारत की दुर्दशा तो भारत के लोगों के द्वारा ही हुई है, इसमें हमसे ज़्यादा उनका दोष है। इसमें भाषा शैली सरल है, तद्भव शब्दों का प्रयोग किया गया है, प्रतीकों का प्रयोग किया गया है, भारत के लोगों को घंटा पर के गरुड़ के समान बताया गया है। इसकी जो नेक्स्ट व्याख्या है वो है हमारी, मेरा प्रभाव जगत विदित है, कृपथ्य का मित्र और पथ्य का शत्रु मैं ही हूँ। त्रिलोक में ऐसा कौन है जिस पर मेरा प्रभुत्व नहीं। नजर, शाप, भूत, प्रेत, टोना, टनमन, देवी देवता सब मेरे ही नामांतर हैं। मेरे ही बदौलत ओझा, दर्शनीय, सयाने, पंडित, सिद्ध लोगों को ठगते हैं। भला मेरे प्रबल प्रताप को ऐसा कौन है जो निवारण करे। संदर्भ एवं प्रसंग। प्रस्तुत नाट्यांश हिंदी की पाठ्य पुस्तक भारत दुर्दशा नामक नाटक से अवतरित है। यह नाट्यांश भारत दुर्दशा नाटक के चतुर्थ अंक से अवतरित है। भारत दुर्दशा नामक नाटक भारतेंदु हरिश्चंद द्वारा रचित है। भारतेंदु हरिश्चंद के हिंदी के प्रथम नाटककार हैं। इन्हें हिंदी साहित्य के प्रणेता एवं नवोन्मेष के प्रतीक माना जाता है। भारत की दुर्दशा में सहायक रोग भारत दुर्देव के बुलाने पर उसके पास आता है। भारत दुर्देव से कहता है कि मैं ही इस पुष्टि पर सबसे ज़्यादा विनाश का कारण हूँ, इस सृष्टि पर सबसे ज़्यादा विनाश का कारण हूँ। मेरे प्रभाव तो सारा संसार जानता है, तीनों लोकों का मैं स्वामी हूँ। मेरे ही कारण पंडित आदि लोगों को ठगते हैं। भारत दुर्देव उससे भारत पर आक्रमण करने के लिए कहता है। इसकी व्याख्या इस प्रकार है कि भारत दुर्देव के बुलाने पर रोग भारत दुर्देव के पास आता है। भारत दुर्देव रोग को भारत पर चारों तरफ से आक्रमण करने के लिए बुलाते हैं। वहां आकर रोग अपनी महिमा का बखान करते हुए कहता है कि मेरा प्रभाव जगत विदित है, मेरे प्रभाव को तो सारा संसार जानता है कि मैं कितना प्रभावशाली हूँ। संसार का प्रत्येक प्राणी मुझसे ग्रसित होता है, इसलिए सभी व्यक्ति मेरे कुप्रभाव को जानते हैं। संसार के प्राणी मेरा नाम लेने से भी डरते हैं, क्योंकि मैं जिसके भी अंदर प्रवेश कर जाता हूँ उसे फिर मैं जल्दी से नहीं छोड़ता। मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए मनुष्य को अनेक जतन करने पड़ते हैं। मैं कुपथ्य का मित्र और पथ्य का शत्रु हूँ, जो भोजन शरीर को हानि पहुँचाता है तथा शरीर में पहुँच कर मनुष्य की पाचन क्रिया को बिगाड़ देता है। मैं उसी भोजन का मित्र हूँ, क्योंकि वही भोजन मुझे फैलाने में सहायक होता है। उस कुपथ्य के द्वारा ही मैं व्यक्ति को
अंदर प्रवेश करता हूँ, लेकिन पत्ते का मैं शत्रु हूँ। उसको पत्ते के द्वारा ही मैं शरीर में प्रवेश करके, पत्ते स्वास्थ्य वर्धक भोजन होता है जो रोगी के स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए दिया जाता है। उस पत्ते को खाने से व्यक्ति का रोग दूर हो जाता है। वह पत्ते मेरे नाश का कारण होता है, इसलिए वह मेरा शत्रु। त्रिलोक में ऐसा कौन है जिस पर मेरा प्रभुत्व नहीं? इन तीनों लोकों में ऐसी कौन सी जगह है जिस पर मेरा प्रभुत्व नहीं? जिन तीनों लोकों में सभी जगहों पर मेरा अधिकार है, मैं कहीं भी जा सकता हूँ, कहीं भी रह सकता हूँ। तीनों लोकों में सभी लोग मेरे नाम से कांपते हैं, मैं कहीं भी मेरी मर्जी से बिना रोक टोक के रह सकता हूँ। नजर, श्राप, भूत, प्रेत, टोना, टनमन, देवी देवता सब मेरे ही नामांतर हैं। भारत में अनेक रोगों के लिए जो टोने टोटके किए जाते हैं, वे सब मेरे ही अन्य रूप हैं। नज़र लगने से जब कोई व्यक्ति दुखी होता है, तो वह नज़र से नहीं अपितु मेरे ही कारण दुखी होता है। अनेक शारीरिक मानसिक कमियों का कारण नज़र बताया जाता है, लेकिन वह मेरा ही रूप है। श्राप लोगों को बहुत ज़्यादा दुखी करता है, लेकिन वह श्राप मेरा ही माध्यम है। श्राप के माध्यम से ही मैं लोगों को दुखी करता हूँ। भूत प्रेत तो लोगों को सबसे बड़ा भ्रम है। भूत प्रेत से उत्पन्न दुख मेरे ही कारण होता है। देवी देवता, टोने टोटके, ये सब मेरे ही रूप हैं, लेकिन मनुष्य ने इन्हें अलग अलग नाम दे दिए हैं। मेरी बदौलत ही ओझा, दर्शनीय, पंडित, सियाने और सिद्ध लोगों को ठगते हैं। व्यक्ति को जब कोई भी रोग हो जाता है, तब वह भूत प्रेत का समझकर सियाने के पास जाता है। वह उस व्यक्ति से खूब पैसा ऐंठता है। वह उसके रोग को भूत प्रेत से बंधित बताकर खूब ठगता है। जब व्यक्ति को कोई टोने टोटके का रोग होता है, तो वह ओझा के पास जाता है। वह उसे झाड़ फूंक करवाता है। वह रोग उसका ठीक हो या ना हो, लेकिन उसके बदले उससे खूब पैसा खर्च करवा दिया जाता है। सिद्ध लोग स्वयं को सिद्ध बताकर लोगों को खूब ठगते हैं। वे लोगों को देवी देवता के नाम से डराते हैं। अगर उन्हें कोई रोग हो जाता है, तो उसे देवी देवता का नाम दे दिया जाता है। अगर उन्हें कोई फिर सिद्ध लोग उन्हें खूब ठगते हैं। भला इस दुनिया में ऐसा कौन है जो मेरा निवारण कर सके? इस दुनिया में ऐसा प्रबल प्रतापी कोई नहीं है जो रोगों का निवारण कर सके। उन्हें खूब ठगते हैं, और रोग का प्रताप तो अत्यधिक प्रबल होता है। उसका निवारण करने की शक्ति किसी में नहीं होती। जब रोग किसी व्यक्ति के अंदर प्रवेश कर जाता है, तो व्यक्ति चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, वो उसके दुख से दूर नहीं हो पाता। लाख कोशिशों के बावजूद भी वो उसका निवारण नहीं कर पाता। इसमें भाषा शैली सरल है, सहज है। रोग के कुप्रभावों का वर्णन किया गया है। रोग को कुपथ्य का मित्र और पथ्य का शत्रु कहा गया है। भूत, प्रेत, टोना, देवी देवता आदि को रोग के ही अन्य रूप बताए गए हैं। तीनों लोकों का स्वामी कहा गया है। रोग को अत्यंत प्रभावशाली बताया गया है। तो आज हमने आपको भारत दुर्दशा नाटक की महत्वपूर्ण व्याख्याओं से बारे में बताया है। अब इसके बाद हम जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा, वो हमारी कुछ इम्पोर्टेंट व्याख्याएं जो 2015, 16, 17, 18 में आई हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि 5 साल के अंदर जो भी व्याख्याएं इम्पोर्टेंट हैं, जो पेपरों में आई हैं,
उन सब के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। और कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनका PDF आपको WhatsApp पे सेंड कर दिया जाएगा, और मैं वीडियो के माध्यम से, ऑडियो के माध्यम से आपको उनको समझा दूँगी। धन्यवाद।